वेलकम टू एन जे स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एन आई यू एस का क्लास 12 का चैप्टर द रोड नॉट टेकन, ये एक पोएम है, चैप्टर नंबर 14, आज मैं आपको ये कराने वाली हूँ। स्टूडेंट्स, ये CBSE में भी क्लास 9th में ये एक पोएम है। ये पोएम एक बहुत फेमस पोएम है और बहुत इंपॉर्टेंट पोएम भी है, जो आपको बहुत अच्छे से करनी है। स्टूडेंट्स, आप सबको पता ही है कि मैंने और भी इंग्लिश की चैप्टर्स की वीडियो बनाई है, जैसे कि भोली और नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वो सब चैप्टर्स भी देखिए। 9 to 10 मिनट्स के हैं, आपको सिर्फ चैप्टर्स सुनो और लास्ट में उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें करो। एंड मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको कैसे लगे। लेट्स स्टार्ट द पोएम द रोड नॉट टेकन। दिस इज़ अ वेरी फेमस पोएम एंड द पोएम रिटन बाय द रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई थी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत जाने माने पोएट थे। ये इंग्लैंड में लिखी गई थी, द रिटन इन 1915। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो ये कितनी पुरानी पोएम है। ये 1915 में इंग्लैंड में ये पोएम लिखी गई थी। द पोएम रॉट नॉट टेकन रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई थी, जो एक वेल नोन पोएम में से एक है, मतलब एक बहुत जानी मानी ये पोएम है। इस पोएम में पोएट ने बताया है कि ये पोएट है, पोएट के सामने दो रास्ते हैं। अब पोएट को चॉइस करना है कि पोएट अपने इन दो रास्तों पे से किस रास्ते पे जाएगा। अगर आप इस पोएम को लाइफ से इंटररिलेट करके समझोगे तो ये बहुत अच्छे से समझ आएगी, और ये लाइफ से ही रिलेटेड है। ये पोएट ने इसको लाइफ से इंटररिलेट करके, अपनी लाइफ से इंटररिलेट करके पोएट ने आपको समझाने की कोशिश करी है कि हमें हमेशा लाइफ में डिसीजंस सोच समझ के लेने चाहिए, क्योंकि एक बार का लिया हुआ डिसीजन हमारे को पूरी लाइफ उसी हिसाब से हमारे डिसीजंस चेंज हो जाते हैं। इन फॉरेस्ट पोएट ने बताया है कि ये जो पोएम है ये एक जंगल से स्टार्ट होती है। पोएट कहते हैं, लाइक अ फॉरेस्ट, मैं फॉरेस्ट से अपना एक वे स्टार्ट करता हूँ। मेरे आगे दो रास्ते हैं, मुझे उनमें से कोई एक रास्ता चुनना है। अच्छा, आपको पता है इसमें फॉरेस्ट का नाम क्यों दिया गया? जैसे फॉरेस्ट में कोई फैसिलिटीज नहीं होती है ना, तो पोएट ने फॉरेस्ट को उस चीज से कंपेयर किया। जैसे लाइफ में कभी हमारी कोई फैसिलिटीज ही नहीं है, हम कहते हैं हमारे पास तो कोई सुविधा ही नहीं है, तो पोएट ने एक उसी तरीके से अपनी लाइफ को स्टार्ट किया है। पोएट ने इसमें बताया है कि ऑटम के डेज थे जब पोएट ने अपनी लाइफ में ये डिसीजन लिया था। जितने भी ट्रीज थे टर्न्ड येलो, सभी ट्रीज एकदम येलो टर्न्ड हुए हुए थे। नेक्स्ट, पोएट ने इसमें यही बताया है, जब पोएट रास्ते पे चलते हैं, फॉरेस्ट में जाते हैं, तो वो देखते हैं कि पूरा फॉरेस्ट येलो होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑटम का टाइम होता है, सारे ट्रीज येलो में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। अब पोएट दोनों रास्ते चूज करना चाहते हैं, बट हमें हमेशा लाइफ में एक ही रास्ता चूज करना पड़ता है। तो पोएट इस बात के लिए बहुत सॉरी फील करते हैं कि मैं वन ट्रैवलर, मैं दो रास्ते चूज नहीं कर पाता। बोथ रोड्स लुक सेम, पोएट को दोनों रास्ते सेम लगते हैं। पोएट सोचते हैं किस रास्ते पे जाऊं, दोनों रास्ते तो सेम है, तो वो ऐसा रास्ता चूज करते हैं जिस रास्ते पे कोई ना गया हो। ऐसे हमारी लाइफ में भी होता है ना, हम कैसी जगह जाना चाहते हैं, हम कैसा काम करना चाहते हैं जो कभी किसी ने ना करा हो। हम कहते हैं कि हम ऐसा काम करेंगे जो कभी किसी ने ना करा हो, सबसे हटके हम कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो यही पोएट ने सोचा, कोई ऐसा रास्ता चूज करूँ जिस पे कोई ना गया हो। बट पोएट के लिए वो जानना बहुत मुश्किल था। बट पोएट उसे कैसे चूज करते हैं, पोएट एक ऐसा रोड चूज करते हैं जिसमें वो देखते हैं जहाँ पे लीव्स फ्रेश होती हैं और नॉट टर्न ब्लैक, ब्लैक नहीं हुई होती है। क्योंकि स्टूडेंट्स, आपको पता है ना, जिस रास्ते पे लोग ज़्यादा चलते हैं तो वहाँ पे लीव्स भी एकदम जैसे कुचल जाती हैं पैरों से, तो वो ख़राब हो जाती हैं, ब्लैक हो जाती हैं। तो पोएट एकदम फ्रेश रोड को चूज़ करते हैं। तो उन्हें ऐसे ही पता चलता है कि वो रोड इसलिए फ्रेश है क्योंकि वहाँ पे लीव्स एकदम ग्रीन पड़ी हैं और कोई भी लीव ब्लैक नहीं है और बहुत सारी फ्रेश लीव्स पड़ी हैं, तो वो रास्ता उन्हें एकदम फ्रेश लगता है, तो पोएट उस रास्ते पे जाना पसंद करते हैं। चूज ग्रासी, अब पोएट फाइनली चूज कर लेते हैं, वो ग्रासी और एकदम ग्रीन जहाँ फ्रेश रोड होती है वो एकदम वो वाली रोड चूज कर लेते हैं। अब पोएट इसको अपनी लाइफ से इंटररिलेट करने की कोशिश करते हैं। पोएट कहते हैं कि द पोएट टू द हैली वेरी केयरफुल, हमें अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन बहुत केयरफुल लेना चाहिए, स्पेशली फ्यूचर का डिसीजन बहुत केयरफुल लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारी पूरी लाइफ चेंज कर देता है। हमारी लाइफ में जो भी डिफरेंसेस आते हैं वो हमारे एक डिसीजन से हमारे डिफरेंसेस आते हैं, तो हमेशा हमें हमारी लाइफ में एक राइट डिसीजन और अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेना चाहिए। आफ्टर चूजिंग, अब बहुत साल बीत जाते हैं जब पोएट
रोड चूज कर लेते हैं। अब रोड चूज करने के बाद पोएट के माइंड में एक बात आती है, क्या बात आती है, उन्हें हमेशा होता है अगर मैं दूसरी रोड चूज करता तो क्या होता, आज मैं कहाँ होता, हमेशा उनके माइंड में ये बात आती है। पोएट एडमिट करते हैं इस बात को, पोएट मानते हैं कि दोनों रोड बिल्कुल सेम रोड थी, पर डिफरेंस क्या था, पोएट ने वो रोड चूज किया जो रोड बिल्कुल फ्रेश था। लेकिन तब भी पोएट के मन में एक कन्फ्यूजन रहती है कि आई वॉज नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं था कि वो रोड फ्रेश थी या नहीं थी, क्योंकि सिर्फ उन्होंने लीव्स की ब्लैक ना होने से अंदाजा लगाया था कि ये रोड फ्रेश है और यहाँ पर कोई भी आके नहीं चला होगा। तो पोएट के मन में हमेशा ये बात रहती है। पोएट कहते हैं बी केयरफुल, हमें अपनी लाइफ में अपना करियर चूज करते हुए, अपनी लाइफ चूज करते हुए हमेशा केयरफुल रहना चाहिए, अपने डिसीजंस को हमेशा सही ढंग से लेना चाहिए। पोएट कहते हैं कि हमारा एक डिसीजन हमारी पूरी लाइफ चेंज कर देता है और हमारे फ्यूचर पे इम्पेक्ट डालता है। इसमें जैसे पोएट ने एक अपने ऊपर लेके इसमें ऐसे बताया है कि जैसे पोएट ने डिसीजन लिया, पोएट ने चॉइस किया कि वो एक पोएट बनेंगे और देखो आज वो कहाँ है। तो कभी कभी हमें डिसीजंस अच्छे लेने चाहिए, है ना। तो पोएट अपने से इंटरेक्ट करते हैं, पोएट इसमें लास्ट में सस्पेंस रखते हैं, वो नहीं बताते कि वो उसको पॉजिटिव वे में कह रहे हैं या नेगेटिव वे में रह रहे हैं, बस पोएट ने इसको यहीं पर बात खत्म कर दी कि हमारे को अपने डिसीजंस बहुत सोच समझ के लेने चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस टू डू, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एंड अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो, आई विल सेंड यू द पीडीएफ ऑफ दीज क्वेश्चंस। नाउ रोड इज मेटाफर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बता रखा है कि रोड इज मेटाफर, रोड किसका मेटाफर है, रोड क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, गुड हेल्थ नो, ट्रेवलिंग नो, मॉर्निंग वॉक नो, चॉइस वी मेक इन लाइफ। इसमें रोड तो यही बताई है ना कि जो हम अपनी लाइफ में चॉइस करते हैं वो ही हमारा रास्ता होता है। एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट्स आपको, व्हाट डू द टू रोड स्टैंड फॉर, दो रोड क्या स्टैंड करती हैं, लाइफ की चॉइसेस स्टैंड करती हैं, लाइफ की चॉइसेस बताती हैं कि हमारी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी वो दिन आया ही होता है कि जब उसके सामने दो रास्ते होते हैं और उसको कोई एक रास्ता चुनना होता है। जैसे आप लोग जब ट्वेल्थ कर लोगे तो आपके सामने दो चॉइसेस होंगे, या तो कॉमर्स स्टूडेंट के लिए जैसे या तो सीए कर लो या ग्रेजुएशन कर लो, लाइक दैट। अब ये एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है जो इसमें बताया गया है, दिस इज अ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। इसमें आपको अपनी लाइफ से इंटर रिलेट करके बताना है कि क्या ये डिसीजन, वाकई में डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यस इट रिलेट्स टू द सिचुएशन, हर किसी की लाइफ में वो सिचुएशन आती है। जैसे मैं अपनी बात करती हूँ, आफ्टर पासिंग माई ट्वेल्थ एग्जाम आई हैड टू टेक अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन, मेरे को भी एक बहुत बहुत मुश्किल डिसीजन लेना था, या तो मुझे टीचिंग कोर्स में जाना था या तो मुझे MBA डिग्री करनी थी, मैंने अपना टीचिंग प्रोफेशन चूज करा। लेकिन तब भी स्टिल आई वॉन्डर, मेरे मन में हमेशा एक बात रहती है कि अगर मैं MBA डिग्री करती तो मैं कहाँ होती, तो मैं क्या करती। तो ये हर किसी के माइंड में रहता है। शॉर्ट आंसर्स है, येल्लो वुड किसे कहा है, येल्लो वुड पोएट ने बताया है ट्रीज को बताया है, और ऑटम सीजन बताया है कि ऑटम सीजन में किस तरीके से येल्लो रोड्स हो जाते, येल्लो हो जाता है, येल्लो वुड बताया है, इसमें पोएट ने येल्लो वुड बताया है। येल्लो वर्ड को पोएट ने ऑटम सीजन से कनेक्ट किया, वुड को फॉरेस्ट से कनेक्ट किया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, वुड का मतलब है इसमें फॉरेस्ट से कनेक्ट किया है पोएट ने, और येल्लो जो बताया है वो ऑटम में बताया है कि ऑटम में सारी लीव्स जो हैं वो येल्लो हो जाती हैं, तो ये पोएट ने बताया है। हु इज द ट्रेवलर, ये तो हमें अच्छे से पता चल चुका है ट्रेवलर कौन है, इसमें पोएट ही ट्रेवलर है जो बताता है कि वो दोनों रोड एक टाइम पे चूज नहीं कर सकता, उसे कोई एक रोड चूज करनी होगी। व्हाई डज द अदर रोड, कौन सी रोड ज्यादा बेटर क्लेम होती है, द अदर रोड वॉज ग्रासी, पर उसने कौन सी रोड को बेटर क्लेम बोला है, जो रोड बहुत ग्रासी है जिसपे कभी भी कोई भी नहीं गया है और एकदम ब्लैक में जो कन्वर्ट नहीं हुई है, तो पोएट ने इसी से अंदाजा लगाया कि वो एकदम फ्रेश रोड है और वो एकदम ग्रासी रोड है, तो पोएट ने उसको बेटर क्लेम करना ज्यादा अच्छा समझा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और भी वीडियोज के लिए आप इसी तरीके से वीडियोज को देखते रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो कि एग्जाम्स आने वाले हैं और आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू।